2017 को ईयर ऑफ पजेशन कहा जा रहा है क्योंकि बिल्डर्स सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुटे हैं। 2017 में दिल्ली एनसीआर में लगभग 2,60,000 फ्लैट्स बनकर डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो होम बायर्स के घर का सपना तो पूरा होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट के सेंटिमेंट में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दिल्ली एनसीआर में करीब 2,60,000 फ्लैट्स की डिलीवरी दी जाएगी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में बिल्डर्स नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के बजाय पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुट गए हैं। सीधा फायदा होम बायर्स को मिलेगा। प्रॉपर्टी प्लस की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सबसे पहले जायजा लिया दिल्ली एनसीआर के कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स का, जहां 2017 की शुरुआत में पजेशन मिलना शुरू हो जाएगा और आगे का सिलसिला कैसा रहेगा ये भी जानने की कोशिश की। नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी कई प्रोजेक्ट्स तैयार हो चुके हैं और पजेशन के बिल्कुल करीब हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इरोज संपूर्णम के पहले फेज का पजेशन मिलना शुरू हो गया है और फरवरी के मध्य तक कई परिवार बसने शुरू हो जाएंगे। इरोज संपूर्णम प्रोजेक्ट करीब 25 एकड़ में फैला हुआ है और पहले और दूसरे फेज में करीब 1700 यूनिट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का एरिया करीब 835 स्क्वायर फीट से लेकर 1800 स्क्वायर फीट तक है। वहीं यहां के आसपास के प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी साल के अंत तक दी जाएगी। संपूर्णम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है हमारा प्रोजेक्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग है, 3800 पर स्क्वायर फुट ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग है इसकी, बल्कि जो बाकी बिल्डर्स आसपास दे रहे हैं वो 4000 प्लस तक भी दे रहे हैं। एंड जो साइज है अपार्टमेंट्स के वो 835 स्क्वायर फुट से लेके 1800 स्क्वायर फुट तक है, तो 10 वेरिएंट्स हैं इसके अपार्टमेंट्स में। उम्मीद ये भी की जा रही है कि 2017 में काफी हद तक राज्य सरकारें रेरा को लागू कर देंगी और काम शुरू हो जाएगा और इसका सीधा फायदा होम बायर्स के साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी मिलेगा।